जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक दुबे ऑफिसर्स करियर एकेडमी वाघोली पुणे से। आज एनडीए का पेपर था, मेरे साथ मेरे सभी कैडेट्स को ढेर सारे शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि आज के पेपर के लिए जो उन्होंने पिछले 1.5 साल से या 6 महीने से जो कड़ी मेहनत की थी, उसका आज परिणाम का दिन था। आज का रिजल्ट, आज का पेपर जो भी था, जो आज तक हमने पढ़ाया है, क्योंकि मैंने खुद उस पेपर को एनालाइज किया, मैं और मेरी पूरी टीम लाइक माय ओसीए फैकल्टी निर्भय सर, सुमित सर, सुधांशु सर एंड माय होल टीम विद आवर डायरेक्टर दुबे सर, हम लोगों ने वो पेपर एनालाइज किया, उसका मार्क्स कट ऑफ एनालाइज किया। उससे हमें यह पता चलता है कि हमने जो गैट में आप लोगों को पढ़ाया, उसमें कई सारे क्वेश्चंस जो कि वहां पे आए हुए। उसी के साथ साथ मैथ्स के जितने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाए, उसमें से कई सारे मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए। तो इससे तो हमें ये क्लियर है कि इस बार 201% वी हैव अ बेटर रिजल्ट विथ ऑल। बट स्टिल डोंट लूज अ होप। अभी आपको हार नहीं मानना है। अभी आपका एनडीए पार्ट वन मीन्स एनडीए एग्जाम्स क्लियर हुआ है, इस स्टेज वन। स्टेज टू अभी भी बाकी है। द स्टेज टू इज SSB। जैसे कि आपको पता होगा, वी हैव ऑलरेडी एनालाइज ऑल द पेपर और हमने उसे यूट्यूब या फेसबुक में अपलोड कर दिया है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि आप अपने कट ऑफ तक पहुंच रहे हो नहीं, जो ऑलरेडी यहां पे डिस्प्ले है 357.5। अगर आप वहां तक पहुंच रहे हो तो प्लीज डोंट लूज अ होप। वी हैव ओनली 1 मंथ। हमारे पास सिर्फ 1 मंथ बचा है और हमें पूरे जोर शोर से SSB का प्रिपरेशन करना है, जो कि आपकी पूरी मेहनत को सफल करेगा। वही SSB अगर आप क्लियर कर दोगे तो एज अ रिकमेंडेड एज अ ऑफिसर इन अ डिफेंस फोर्स एनडीए में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और वो ज्वाइनिंग तभी होगी जब आप मेहनत करोगे। तो इसके लिए जल्द से जल्द आप 1 या 2 दिन रिलैक्स ले और अपने पढ़ाई पे लग जाए। और मैं आपको अभी भी मेरी डायरेक्टर की तरफ से अथवा हमारी पूरी OCA टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सिर्फ OCA नहीं, जो कैडेट्स इस वीडियो को देख रहे अथवा उन्होंने एनडीए का पेपर दिया है, उन सभी कैडेट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका पेपर अच्छा गया और इस कट ऑफ तक वो पहुंचे। अगर वो इस कट ऑफ तक पहुंचे तो प्लीज डोंट बी काम, कोशिश करते रहिए, हमें आगे तक चलना है। जैसे कि लिखा गया है, सफर तभी पूरा होता है जब सफलता हाथ में होती है। जब तक सफलता आपके हाथ में नहीं है, तब तक आपका सफर पूरा नहीं हुआ है। यह तो एक पड़ाव था जिसे आप पार कर गए, दूसरे पड़ाव के लिए इंतजार करना पड़ेगा और वो इंतजार सिर्फ 1 मंथ का है। तो अभी तक ढेर ना थामे, कोशिश करें, जंग में विजय हमारी ही होगी। जय हिंद।